देखिए बच्चों, अब हम आपको आज पोइट्री की जो पहली कविता है उसको पढ़ाते हैं। पहली कविता का नाम है द फाउंटेन। फाउंटेन में सुनता है फब्बा। इसके लेखक है जेम्स रसेल लोवेल। कविता का नाम है द फाउंटेन, फाउंटेन इज फब्बारा। इसके पोएट है जेम्स रसेल लोवेल। इस कविता के बारे में आपको बताने से पहले हम आपको बता दें कि कवि ने फब्बारे को देखा होगा और फब्बारे की खूबसूरती से मोहित होकर कवि ने कुछ कल्पना की थी। वो कल्पना क्या है उसने इस कविता के माध्यम से व्यक्त की है। वो चाहता है कि फब्बारे के जो अच्छे गुण हैं वो सारे के सारे गुण हमारे अंदर आ जाएं, ताकि जिस प्रकार से लोग फब्बारे को पसंद करते हैं उसी प्रकार से लोग हमें भी पसंद करने लगे। अब इस कविता का सार क्या है वो आपको क्रमशः बताने का प्रयास करते हैं। कभी कहता है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, वो कहता है सूरज के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट, जब चारों ओर रोशनी ही रोशनी होती है, तब फब्बारा क्या करता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता है और कूदता है फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेके रात तक। सूरज के प्रकाश में जब चारों ओर रोशनी ही रोशनी होती है, तब फब्बारा सुबह से लेके शाम तक क्या करता है, उछलता कूदता है। अब बात करते हैं इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में, ब्राइटर देन स्नो, फब्बारा बर्फ से ज्यादा सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइट, फूल की भांति हिलता है, कब फूल की भांति हिलता है, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में, फब्बारा बर्फ से ज्यादा सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइट, फूल की भांति हिलता है, कब हिलता है, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। अब बात करते हैं तीसरी पंक्ति की, इनटू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, फब्बारा फुहारे छोड़ता है, हैप्पी एट मिडनाइट, अर्धरात्रि को भी जब हम फब्बारे को देखेंगे तो हैप्पी, वो प्रसन्न दिखाई देता है, हैप्पी बाय डे, दिन में फब्बारे को देखेंगे तो भी प्रसन्न दिखाई देता है। फिर से सुन लीजिए, इनटू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी है, रसिंग इन स्प्रे, फब्बारा फुहारे छोड़ता है, हैप्पी एट मिडनाइट, अर्धरात्रि में फब्बारा प्रसन्न रहता है, हैप्पी बाय डे, दिन में फब्बारा प्रसन्न रहता है। इसके बाद कभी अगली लाइन में कहता है, एवर इन मोशन, हमेशा फब्बारा गति में रहता है, ब्रीसम एंड चेरी, प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित दिखता है। जब भी हम फब्बारे को देखते हैं हमारा मन मोहित हो जाता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कहता है, एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है, ब्रीसम एंड चेरी, प्रसन्न और प्रफुल्लित दिखता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वाइज, हमेशा ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता है, नेवर ए वियरी, कभी थकावट महसूस नहीं। कभी कहता है, एवर इन मोशन, फब्बारा हमेशा गति में रहता है, ब्रीसम एंड चेरी, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड, हमेशा ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर जाने का प्रयास करता है, नेवर ए वियरी, कभी थकावट महसूस नहीं करता है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर। अगली पंक्ति में कभी कहता है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, हर मौसम में फब्बारा प्रसन्न रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा अपना सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का की कोशिश करता है, अपवार्ड और डाउनवार्ड, चाहे वो ऊपर की ओर जा रहा हो तब भी फब्बारा अच्छा दिखता है, खूबसूरत दिखता है, चाहे फब्बारा नीचे की ओर आ रहा हो तब भी फब्बारा खूबसूरत दिखता है, सुंदर दिखता है। मोशन डी रेस्ट, वो गति में ही विश्राम करने का प्रयास करता है, वो उसके लिए, वो विश्राम के लिए कोई अलग से समय नहीं मांगता, वो गति में ही विश्राम कर लेता है। जब फब्बारा ऊपर होता है, ऊपर से जब वो नीचे आता है, तो नीचे आने के दौरान जो सेकंड का क्षण उसको मिलता है रुकने के लिए, वो उसका विश्राम का समय होता है। फिर से सुन लीजिए, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, हर मौसम में प्रसन्न रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है, अपवार्ड और डाउनवार्ड, चाहे ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, मोशन दी रेस्ट, गति में ही विश्राम करता है। फुल ऑफ ए नेचर, प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण रहता है फब्बारा, नथिंग कैन टेम, कोई भी फब्बारे को पालतू नहीं बना सकता, कोई भी फब्बारे को अपने बस में नहीं कर सकता, चेंज एवरी मूवमेंट, हर क्षण फब्बारा परिवर्तित होता है, एवर द सेम, फिर भी अपनी सुंदरता को बनाए रखता है। फिर भी सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, फुल ऑफ इन नेचर, प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण रहता है, नथिंग कैन टेम, कोई फब्बारे को टेम नहीं सकता, पालतू बनाना पालतू नहीं बना सकता है, चेंज एवरी मूवमेंट, हर क्षण फब्बारा परिवर्तित होता है, एवर द सेम, फिर भी सुंदर रहता है, परिवर्तन के पहले सुंदर रहने लगता है, परिवर्तन के बाद भी सुंदर लगता है, सीजलेस एस्पायरिंग, हमेशा आगे की ओर बढ़ने वाले फब्बारे, हमेशा प्रगति करने वाले फब्बारे, सीजलेस कॉन्टेंट, हमेशा
संतुष्ट रहने वाले फव्वारे डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरे में हो चाहे सनशाइन सूरज का प्रकाश हो, दे एलिमेंट, ये फव्वारे के गुण होते हैं। क्या फव्वारे के गुण होते हैं? हमेशा फव्वारा आगे की ओर जाता है, प्रगति करता है, तरक्की करता है, हमेशा फव्वारा संतुष्ट रहता है, अंधकार में भी खुश रहता है और सूरज के प्रकाश में भी खुश रहता है, ये फव्वारे के गुण होते हैं। अंतिम पंक्ति में कवि इच्छा व्यक्त करता है, ईश्वर से कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार दिखने वाले फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, आइए और आकर मेरे हृदय में बसिए। कहने का तात्पर्य है, जो गुण फव्वारे के हैं वो सारे के सारे गुण हमारे हृदय में आकर समाहित हो जाएं, ताकि हम भी कैसे हो जाएं, ताकि हम भी फ्रेश तरोताजा हो जाएं, चेंजफुल परिवर्तनशील हो जाएं, कॉन्स्टेंट निरंतर स्थिर रहें, अपवार्ड लाइफ दी, और फव्वारे की तरह तुम्हारी तरह अपवार्ड लाइफ दी, ऊपर की ओर गति करने का प्रयास करें। कुल मिलाकर इस पंक्ति में कवि ने, इस कविता में कवि ने ये कहने का प्रयास किया है कि फव्वारे के जितने भी अच्छे गुण हैं वो सारे के सारे अच्छे गुण हमें अपने अंदर समाहित करना है, हमेशा इस प्रकार का व्यवहार करना है ताकि लोग हमसे खुश रहें, हमसे प्रसन्न रहें और हमेशा आगे बढ़ने का, प्रगति करने का प्रयास करते रहना है। कितनी करना है? 6 मिनट चल रहा है।